गुड मॉर्निंग सर. सर मेरे पास सीईएससी का शेयर 3014 है, जिसका प्राइस है 94.20 रुपये. सर इसको मैंने 8 सितंबर को लिया था और मैं इसको सोचा कि दिवाली तक रखूंगा, तो सर क्या दिवाली तक मेरा भाव आ जाएगा? 94 रुपये में लिया, अभी चल रहा है 87 रुपये लगभग. दिवाली में कितने दिन बाकी है? 12 नवंबर की दिवाली है, 12 दिन उधर और 7 दिन इधर समझ लीजिए आप. सरवेन जी 10-12 ट्रेडिंग सेशन आप मान लीजिए यहाँ से. क्या 86-87 से 94 रुपये जाएगा सीएससी? नहीं, उम्मीदें और प्रोबेबिलिटीज तो हमेशा रहती हैं हर चीज की इस मार्केट में, बट फिलहाल इतने शॉर्ट टाइम फ्रेम में वहां पहुंचेगा अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसे मैंने बोला हमारा बाजारों का रुझान थोड़ा सा नेगेटिव है और इसमें भी मुझे लग रहा है कि तकरीबन 95-100 के जो लेवल्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, तो उनको क्लियर करना इसके लिए इतना आसान भी नहीं होगा. और जिस तरह का स्टॉक है, कोई बहुत हाई बीटा स्टॉक नहीं है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये बहुत कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं और इसलिए इन्होंने ट्रेड को लिया है. तो आई थिंक अगर इनके पास दायरा 12-18 महीने प्लस का है तो मेरे हिसाब से ट्रेड में इनको बने रहना चाहिए और मेरे हिसाब से 75-78 के आसपास अच्छे लेवल्स हैं, स्टॉप लॉस एरियाज हैं. आई थिंक 75 के नीचे अगर स्टॉप लॉस रखना चाहें तो रखें, नहीं वैसे तो बहुत बढ़िया स्टॉक है, डिविडेंड यील्ड इतनी बढ़िया देता है कि ट्रेड में बने भी रहेंगे 1-1.5 साल तो भी पैसे इनके बन जाएंगे. ओके भाई कौशल जी, अगर इसमें बने रहेंगे तो भी पैसे बन जाएंगे क्योंकि डिविडेंड भी अच्छा मिलता है, सरन जी जानकारी बता रहे हैं.